दोस्तों कैसे हैं हाँ आप लोग सो लेट्स बिगिन विद ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर का एनालिसिस तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर टू से रिलेटेड गवर्नमेंट इंक्रीज पोल्स स्पेंड सीलिंग बाय टेन परसेंट ठीक है तो जैसे कि बिहार इलेक्शन आ, आ, आ रहे हैं तो इसीलिए बोला है कि अभी क्योंकि कोविड सिचुएशन है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए अभी खर्चा ज़्यादा होगा सैनिटाइजर्स खरीदने पड़ेंगे ज़्यादा ज़्यादा तो दस परसेंट भाई बढ़ा दिया है आ, किसने लॉ मिनिस्ट्री ने ठीक है तो सीलिंग इंक्रीज करनी है ये ध्यान रखना लॉ मिनिस्ट्री इस तरीके की चीज़ें बताती है एंड लास्ट टाइम सीलिंग कब बढ़ाई गई थी दो हज़ार चौदह में एंड क्योंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से पोलिटिकल पार्टीज को एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं उनको अधेयर करने के लिए सो so, चेंजेस क्या किए गए हैं दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बस दस परसेंट वही याद रख लोगे पेपर में बहुत है ठीक है दस आ, सत्तर लाख से, सेवेंटी सेवन लैक्स कर दिया है क्योंकि जो लोकसभा पोल के लिए लिमिट होती है स्टेट यूटीज में असेंबली पोल्स के लिए लिमिट होती है अट्ठाईस लाख ठीक है उसको तीस लाख कर दिया इतना याद कर लो बहुत है मेजर्स इन प्लेस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी क्योंकि उनको एक ट्रू अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस फाइल करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के साथ कि भाई देखो मैंने इतना इतना खर्चा किया है अगर उसमें कुछ गड़बड़ मिली इनकरेक्ट अमाउंट मिली तो आप डिस्कालीफाई हो जाओगे अप टू थ्री ईयर्स इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाओगे अंडर सेक्शन टेन ए ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइन 1951 सीलिंग की क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई लेवल प्लेइंग फील्ड हो अब मेरे पास बहुत पैसा है एक करोड़ में तो एक करोड़ खर्च कर दूंगी भाई वो कहेगा नहीं भाई सेवेंटी सेवन लाख से करने क्यों मेरी मर्जी में कितने स्पेंड करूं तो ऐसे नहीं होता लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए मान लो किसी के पास पैसे ही नहीं है मैं ऐसा करोड़ खर्चा कर दूँ तो लोग तो मेरे पास आएंगे ना द टू रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑन इलेक्ट्रल रिफॉर्म ने भी बोला था लॉबिंग एंड कैप्चर वेयर अ सॉर्ट ऑफ क्विड प्रोको ट्रांस डोनर्स एंड पार्टीज पार्टी प्रो को क्या होता है एक्सचेंज ठीक है लॉबिंग एंड कैप्चर का मतलब क्या होता है कि जिसके पास पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के पास ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा कि ऑब्वियसली खुद से तो आया नहीं होगा कोई कॉरपोरेट्स वगैरह उस पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे कि बाद में ये सिलेक्ट होने के बाद हमें रिटर्न करेगा तो दैट इज क्विड प्रोको तो ये अगर ज़्यादा अगर ये सीलिंग ना होती तो ये क्विड प्रोको होता मतलब एक्सचेंज ज़्यादा होता बिटवीन द बिग डोनर्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स सो ये ये जो सीलिंग वाला फंडा है ये क्विड प्रोको को कम करता है ठीक है

छोड़ो 60 दे दो ठीक है बाकी सबको बांट दो ₹10-10 क्या जाता है पर क्या दिक्कत है रिटर्न में है कि इट शुड बी ईदर 50% और नॉट मोर देन द एक्सपेंडिचर सीलिंग लिमिट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शन ठीक है या तो 50% हो पर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो ₹50 ही दे सकते हो आप 100 में से ठीक है लिमिट से क्या होगा आ, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया अब उसको दस रुपये दोगे तो वो दस रुपये जितनी कैंपेनिंग करेगा ना एंड मनी पावर कंट्रोल हो सकेगी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई मनी तो इम्पोर्टेंट प्ले करती ही है इन द इलेक्शन कैंपेन कन्वर लाल गुप्ता वर्सेज अमरनाथ चावला केस में उन्होंने बोला एंड जो वोटर्स चॉइस है उसको हैम्पर करती है पेरियस कमिटीज़ एंड कमीशन्स क्या है लॉ कमीशन ने आ, काफी बार रिकमेंडेशन करी है इलेक्शन कमीशन ने गोस्वामी कमेटी वोरा कमेटी इंद्रजीत जीत कमेटी एंड नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 2001 में चैप्टर भी है पॉलिटी में एंड सेकेंड ए आर सी रिपोर्ट में भी दिया गया है इस चीज़ के बारे में लॉ कमीशन इन इट्स टू फिफ्टी फाइव रिपोर्ट में भी हमने देख लिया कि लिमिट करना चाहिए पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन को एंड पार्टी कैंडिडेट एक्सपेंडिचर को डिस्क्लोजर नॉम्स एंड रिक्वायरमेंट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए एंड अभी ये अंडर प्रोसेस है uh, कि इसको सेंटर मानेगा देन फाइनेंस मिनिस्ट्री टू डाइवेस्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डाइवेस्ट का क्या मतलब होता है उसको उसकी पोजीशन से हटा देना ठीक है सो so, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है फिलहाल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है कोई भी बॉडी जिस जो सरकार की मिनिस्ट्री से बाहर काम कर रही है पर उसको ऐसा नहीं कि अब मिनिस्ट्री से बाहर काम करे पर उसके पास भी एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस है जैसे का एग्जाम कंडक्ट कर सकेगी जैसे तो खुद लोगों को नौकरी पे लगा सकती है तो उसे ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला अब इसको हटा देंगे भाई यहाँ से क्योंकि बहुत छत्तीस तरीके की बॉडीज हो गई अब सबको मर्ज 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 करने पे लगे हुए हैं ताकि खर्चा कम हो सरकार का सो व्हाट आर द कंसर्न एक्सप्रेस्ड ठीक है कि क्योंकि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट ही क्या है कि जो एम है उसको एडवाइस करे रिलेटेड टू पॉलिसी मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज दिस कॉल कैन ओनली बी परफॉर्म एंड रिमेन रेलिवेंट जब तक ये एक एम ओ e, e, का पार्ट रहे पर अब इसे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का आ, दर्जा देने को बोला गया है कि मतलब कि पोटेंशियली आगे जाके एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती है सिर्फ टीचिंग और रिसर्च का काम करेगी तो भाई पढ़ाने का काम करेगी तो फिर सरकार को एडवाइस कौन करेगा है ना एंड इसकी फंडिंग भी कट करते रहेंगे बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट ईच ईयर एंड इतने इसके पास पैसे हैं इतने अपने टीचर्स वगैरह रिक्रूट करो और फिर खुद का खर्चा खुद चलाओ वेन इन्वाइटेड फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स हो सो वही मैंने बताया कि वह नाइनटी फोर ऑटोनोमस बॉडी है अठारह मिनिस्ट्रीज में ठीक है तो एक सौ नौ बॉडीज को तो छब्बीस में मर्ज कर देंगे एंड गवर्नमेंट मस्ट डिस इंगेज फ्राम ट्वेंटी थ्री विच इज़ वन जो इनमें से एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ऑटोनोमस बॉडी क्या बोल दिया मैंने की आउटसाइड गवर्नमेंटल सेटअप होती है एंड सर्टेन फंक्शंस क्या होते हैं वो कुछ इंडिपेंडेंस से कर सकती है डेट मतलब रोज़ सरकार की नहीं होगी हर एक साइन के लिए अब आपको सरकारी ऑफिसेस में धक्के खाना नहीं पड़ेगा इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमस ठीक है इट इज़ सेटअप बाय मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट कंसर्न विद सब्जेक्ट मैटर ठीक है एंड आर फंडेड थ्रू द ग्रांट तो इनको फंड भी आता है मिनिस्ट्री से ही गवर्नमेंट क्यों मेजर ले रही है क्योंकि नंबर ऑफ गवर्नेंस इश्यूज़ आ रहे हैं अब एक सौ नौ को एक बार तो आप एक सौ नौ को मैनेज करें एक छब्बीस को मैनेज करें तो वो तो बात है ऑब्वियसली so खर्चा भी काटना चाहते हैं नेचर ऑफ दीज बॉडीज़ है जो भी जो भी लगभग ऑटोनॉमस बॉडी होती है ना वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो एटीन सिक्सटी का उससे रजिस्टर्ड होती है एंड इशूज़ विद ऑटोनॉमस बॉडी अकाउंटेबिलिटी ठीक है क्योंकि टैक्स पेयर्स के मन पैसों से काम कर रही है पर ये इतना अकाउंटेबल नहीं है एंड दे डू नॉट फॉलो पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बहुत बार ठीक है ये इशू है रिक्रूटमेंट इशू क्या है अपने ये रिश्तेदार भाई भांजे को नेपोटिज्म प्रमोट करते हैं तो वो इशू आता है नॉन अधरेंस टू द एनविसार्ड गोल अब एस डी जी का हमने कुछ गोल रखा है गो बोलते ना ना हम नहीं करेंगे छोड़ो अपने को पैसा आ रहा है मुफ्त का पैसा आ रहा है ग्रांटी ले रहा है कैसे ज़रूरत है नो यूनिफॉर्म ऑडिट ठीक है वो कह रहे नहीं हम तो ऐसा नहीं करते हम कुर्सियाँ नहीं तोड़ते पर प्रूफ कहाँ है आपके पास है ना या तो क्या ऑडिट कर रहा है पर इनका ऑडिट मेनली कोई सी ए कर लेता है आके तो सी ए को तो फिर पैसे दे दोगे तो आपका काम बन जाएगा ना वो भी चीज आती है रिफॉर्म्स क्या है एक लीगल फ्रेमवर्क हो विच शुड बी डिवाइस्ड विच डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ इट्स वर्किंग कि भाई तुमने ऐसे ऐसे काम करना है उस आपकी इतनी ऑटोनॉमी है एंड वेरियस पॉलिसी जो आपको फॉलो करनी है यूनिफॉर्मिटी लेकर आओ पॉलिसीज में अ टास्क फोर्स नीड टू बी सेटअप अंडर द पैन इंडिया जैसे कि अपना यू है ठीक है अब यूनिफॉर्मिटी है एग्जाम्स में इस दिन पेपर है इस दिन मेन्स है इस दिन इंटरव्यू है इतने बच्चों को आना है है ना रेशनलाइजेशन ऑफ देयर नंबर दैट द आउटलेफ्ट द कॉज फॉर विच दे वर एस्टैब्लिश्ड ठीक है बहुत बार ये सोचते हैं चल वाइल्ड लाइफ को छोड़ा हुए काम करते हैं थोड़ा पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं या कोई और भी uh, कोई और ही काम करना चालू कर देते हैं ठीक है एंड उनको सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपको मर्ज भी करना है तो सिमिलर के साथ करना फाइनेंस और वाइल्ड लाइफ को मर्ज मत कर देना यह बोला गया है कोलाबोरेटिड अप्रोच टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स कमेटी मेंबर्स ऑफ सिमिलर वही बोला गया है कि कोलाबोरेटिड अप्रोच जैसे कि आप सिमिलर एक तरीके की ही ऑटोनोमस बॉडीज को मर्ज करोगे तो उसी तरीके के आपको मेम्बर्स को भी मर्ज करना पड़ेगा वरना वही सीनियोरिटी इशू जो हम बैंक मर्जर के टाइम पर पढ़ते हैं वही दिक्कत आएगी यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग ही आपको कंडक्ट करानी पड़ेगी बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी तो कोर्ड ग्रुपिंग क्या है आई थिंक आई शुड स्कीप इट क्योंकि हम इसको बहुत बार कर चुके हैं ठीक है अभी कोर्ड के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने एग्री कर लिया है कि अब हम जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट करेंगे मारा बार एक्सरसाइज को ठीक है एंड डिस्पाइड रिनी कॉर्ड हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म ठीक है कब बनी थी 2007 में आइडिया वॉज मोटेड बाई जो शिंजो uh, आबे थे उन्होंने जो जापनीज uh, वो थे उनको उन्होंने जापनीज प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला था एंड एंटी चाइना इसको थोड़ा सा देखा गया है इन द रिसेंट ईयर्स ठीक है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में मेरी सिक्योरिटी को देखता है एंड चाइना की जो इंक्रीज एग्रेशन है उसको थोड़ा काउंटर करने का काम करता है थोड़ा ठीक है चाइना की क्योंकि आपने देखा ही है साउथ चाइना सी में कहाँ स्पार्टली आइलैंड्स ठीक है हम सुनते रहते हैं स्पार्टली आइलैंड पार्सल आइलैंड्स है ना एंड सेनकाकू आइलैंड्स ये जापान में है तो उनको बड़ी ज़्यादा दिक्कतें प्रोवाइड करता है चाइना सो so, इंडिया का क्या स्टैंड है वही अब इंडिया के साथ भी दिक्कतें हैं हमारा जो लद्दाख स्टैंड ऑफ है वो तो आप सुनते ही हैं तो कॉड ग्रुपिंग क्या है जापान इंडिया यू एस एंड ऑस्ट्रेलिया एक कॉमन ग्राउंड है इनका क्योंकि ये कॉमन इंटरेस्ट है इनका क्योंकि भाई एक जगह एक साथ लोकेटेड है इंडो पैसिफिक रीजन में ठीक है अनहिंडर्ड मेरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी बेहतर हो सके वहाँ पर जेनेसिस मैं आपको बता चुकी हूँ दो हज़ार सात में सबमिट हुई थी आशियान सबमिट हुई थी उसके साथ ही में आ, मतलब जो जापानीज प्रेसिडेंट थे उन्होंने आइडिया वो बोला था कि भाई ऐसा चीज़ें हो सकता है आफ्टर मैथ द सुनामी सिग्निफिकेंस क्या है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ एक साथ हैं मेंबर शेयर्स ऑफ विजन क्या विजन है ओपन एंड फ्री तरीके का हमारा इंडो पैसिफिक रीजन हो मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे हम एंड हम आगे जाके अपने जो इसको एक मिलिट्री चीज़ पे भी लेकर आ सकते हैं हमारी ट्राई लिटरल एक्सरसाइजेस भी हो सकती है तो ये सब भी बोला जा रहा है चाइना क्या बोलता है अरे छोड़ो ये तो बच्चे हैं ऐसे इन इनसे अभी नहीं होगा ठीक है एशियन नाटो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन चाइना तो उसको एशियन नाटो तक कह देती है बट चाइना कहते हैं ना ना मिलिट्री डायमेंशन डायमेंशन नहीं आएंगी इनकी छोड़ो छोड़ो ये सब थोड़े दिन के बच्चे विदक के बंद हो जाएंगे तो चाइना का ये व्यू है नोटेबली प्राइम जापनीज पी शिंजो आबे ने बोला है कि भाई कॉन्फ्लेंस ऑफ टू सीज़ हैं ठीक है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन सो वो एक जियो स्ट्रैटेजिक विजन लेके आया है क्वाड एंड फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिया टू बैलेंस चाइना वाया ग्लोबल नेटवर्किंग ठीक है एक स्पेसिफिकली ही चाइना को काउंटर करने के लिए है ठीक uh, है वरना बहुत जगह यूजुअली हर जगह चाइना हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है शंघाई का एस का हो गया ठीक है एंड और भी हम कहीं पर भी देख ले यू uh, का तो है ही तो उसका मेंबर होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सो उसको काउंटर नहीं कर सकते ठीक है ब्रिक्स नेशन का भी है तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम उनको काउंटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं देन इज अबाउट चाइना ताइवान रिलेशनशिप तो चाइना हॉन्गकॉन्ग चाइना मकाओ चाइना ताइवान दीज आर इंपॉर्टेंट तो चाइना ने बोला भाई इंडिया वालों ठीक है तुम ट्रेड वाले जो चीज़ें तो कर रहे हो इनके साथ पर ध्यान से करना हम वरना तुम्हारे तो ऊपर फटकार लगा देंगे इशू क्या है स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना केम इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट्स दैट इंडिया एंड ताइवान एक ट्रेड डील के बारे में सोच रहे हैं बैकग्राउंड क्या है वन चाइना पॉलिसी चाइना ने बोला है कि भाई ताइवान हमारा हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी मतलब सारा हिस्सा चाइना का ही है सिंस द चाइनीज सिविल वॉर फोर्स द डिफीटेड ऑफ नेशनलिस्ट जो ताइवान में उस टाइम पे उछल रहे थे बहुत ज़्यादा एंड बीजिंग रूल में लाने के लिए उसको बोला गया कि वन चाइना पॉलिसी के अंदर हम ताइवान को क्लेम करते हैं एंड ताई चाइना ताइवान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है काफ़ी सारा वहाँ का चाइना का एक्सपोर्ट ताइवान में जाता है टू ट्वेंटी सिक्स डॉलर बिलियन डॉलर्स का है ट्रेड टोटल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ताइवान रन अ लार्ज ट्रेड सरप्लस विद चाइना ठीक है तो चाइना काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सरप्लस मतलब ताइवान सॉरी ताइवान चाइना को ज़्यादा ही वो करता है एक्सपोर्ट करता है रादर दैन चाइना एक्सपोर्टिंग ताइवान वेल ताइवान इज सेल्फ गवर्न एंड डी फैक्टो इंडिपेंडेंट तो ताइवान इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ गवर्न है इंडिपेंडेंट है पर उसने कभी नहीं बोला कि मैं इंडिया का सॉरी uh, चाइना का हूँ ही नहीं जैसे जम्मू कश्मीर वाले भी नहीं बोलते कि भाई हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ऑब्वियसली छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स बोलेंगे बट एज सच लोग नहीं बोलते तो वही सेम चीज़ है एंड वन कंट्री टू सिस्टम्स के अनुसार जैसे कि हांगकॉन्ग भी है ताइवान के पास राइट टू रन इट्स ओन अफेयर्स है इट इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को थोड़ी ना करते पर डब्ल्यू इसको अलग रिकोगगनाइज़ करती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकॉरिडो कॉपोशन ए पैक एंड ए मे बी इसका नाम है uh, हमारे कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है ताइवान एंड इंडिया में कॉपरेशन अच्छा है एंड इंडिया ने बोला कि दो चलना वन चाइना पॉलिसी को कोई नहीं मानता तो ऐसा बोला गया सो दिस इज लोकेशन ऑफ ताइवान दिस इज साउथ चाइना सी विच यू मस्ट रिमेंबर देन इज अबाउट आयुष्मान सहाकार ठीक है तो भाई आयुष्मान आ गया तो आपको याद आएगा ओ आयुष्मान भारत स्कीम ठीक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ठीक है तो इसमें क्या है कि जो प्रा पी एच सी हैं ठीक है थीके? उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे दूसरा क्या बोलते हैं कि पाँच लाख का लोन पाँच लाख का लोन देंगे जो भी सोशल सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस है उससे के थ्रू आइडेंटिफाइड बे, बेनिफिशरीज को ठीक है शो so, उन्होंने क्या बोला गया है कि भाई जो चलो ठीक है इसका मतलब क्या कि जो कॉपरेटिव्स हैं ठीक है जो छोटे छोटे कॉपरेटिव आते हैं ठीक है, है? आ, तो वो इसका मतलब तो वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा काम कर रहे होंगे क्योंकि उनकी रूरल प्रेजेंस अच्छी है तो इन्होंने सोचा कि काम करते हैं एक आ, जो हमारे पास एन है नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉपोरेशन तो डेवलपमेंट तो इसने कोऑपरेटिव की ही करनी है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है ठीक है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ठीक है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है पैसे वैसे देता है तो क्या करेंगे तो एन uh, के अंदर एक फ़ंड uh, बना देंगे ठीक है तो फंड का क्या करेंगे एन विल एक्सट तो एक फ़ंड बना देंगे वहाँ से उसमें पैसा डाल देगी सरकार ठीक है एंड एन विल एक्सटेंड टर्म लोन्स ठीक है जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको टर्म लोन्स ठीक है लोन देगी कॉपरेटिव को जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहते हैं एंड जो भी चाहते हैं हेल्थ के रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप ये एनसीडीसी फंड का एक्सेस ले सकते हैं एनसीडीसी असिस्टेंस कौन या तो स्टेट गवर्नमेंट देगी या यू या यू देगी ठीक है और डायरेक्टली द एलिजिबल कोऑपरेटिव्स ठीक है फ़ंड विल फ्लो थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट से आएगा फ़ंड ठीक है मतलब पहले सरकार मतलब मान लो हरियाणा वालों ने मांगा किसी कोऑपरेटिव ने तो पहले वो हमारे सरकारी अकाउंट uh, में ट्रांसफर कर देंगे फिर वो उस वहाँ से कॉपरेटिव के पास जाएगा या फिर इधर वे या डायरेक्ट डी बी टी भी हो सकता है स्कीम प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन मनी टू मीट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स इंटरेस्ट सबमेंशन भी दे सकते कि दस परसेंट हो रहा था तो नौ परसेंट मिल जाएगा आपको एक परसेंट का टू द वेमेन मेजोरिटी कॉपरेटिव जिसमें वेमेन की ज़्यादा है मतलब दस लोग हैं तो उसमें से पाँच से ज़्यादा विमेन हो तो उसकी थोड़ा ज़्यादा मानी जाएगी कोऑपरेटिव्स इन हेल्थ केयर एंड वाई फोकस ऑन देम क्योंकि देर आर फिफ्टी टू हॉस्पिटल्स जो कॉपरेटिव चला रहे हैं पाँच हज़ार से ज़्यादा बेडेड हैं एंड इनकी रूरल प्रेजेंस देखते हुए उनको बोला कि एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में एंड हम कोविड नाइनटीन में तो देख ही चुके हैं अब हर कोई डेली भाग रहा है डेली भाग रहा है बेचारे वहाँ के हॉस्पिटल्स सेशिएट हो चुके हैं सैचूरेट हो चुके हैं तो हमें जो रूरल पेरीट्रेशन है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे हम ए टी एम बैंक ए टी एम रूरल एरियाज़ तक लेके गए ऐसे हमें अब हेल्थ केयर लेकर जाना पड़ेगा ठीक है एंड इट इज इन लाइन विद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो वही बताते हैं इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ करनी चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज का बेहतर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाओ एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी इसमें इंक्लूडेड है ठीक है सो दिस इज वॉज़ अबाउट आयुष्मान सहाकार ओके देन देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है साइबर क्राइम ने काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉस किया है वन पॉइंट टू फाइव ट्रिलियन लॉस का ठीक है रुपीज़ रुपीज ने किया है साइबर थ्रेट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज क्योंकि हम फाइव जी की तरफ जा रहे हैं तो वो तो बढ़ेगा ही एंड जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है जो साइबर सिक्योरिटी की प्रोडक्ट्स है कोई ऐप हो गया तो वहाँ उधर बहुत बिग वैक्यूम है वो वो को हमें फिल करने की जरूरत है स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट तो सबसे पहले ऑनलाइन साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल ठीक है मतलब अगर किसी को चाइल्ड पॉन वगैरह वाली चीज़ दिखी चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज की दिख गई गैंग रेप वाली चीज़ें दिख तो आप डायरेक्टली इनको रिपोर्ट कर सकते हो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में स्कीम फॉर एस्टेबलिशमेंट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आई फोर सी मतलब चार बार सी ठीक है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर चार बार सी ताकि हैंडल कर सके इश्यूज रिलेटेड टू साइबर क्राइम इन कंट्रीज इन कॉम्प्रीहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटिंग मैनर ठीक है साइबर क्राइम के लिए साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बना दिया ठीक है नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्शन ऑफ क्रिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ एक क्रिटिकल के लिए इन्होंने फेरा अलग बना दिया ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू बी मैडेटेड टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटीडेंट टू सी ई आर टी सी आर टी क्या है साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ठीक है उसको आपको फटाफट रिपोर्ट करना है जहाँ से भी उनको वो आता है इन्फॉर्मेशन आती है पहले ही आप सी आर टी पे वो कर सकते हैं जैसे हमारा स्वच्छ भारत है वैसे फाइबर स्वच्छता है तो वहाँ पे भी सफाई सफाई करेंगे बॉटनेट क्लिनसिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर मालवेयर और बॉटनेट क्या है एक तरीके के वायरस के बाप होते हैं तो जो इन्फेक्ट कर देते हैं आपके फोन्स को फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तो जो एस है वो बनाना पड़ेगा कि भाई ऐसा अटैक हो जाए तो ऐसे करेंगे ऐसा हो जाएगा तो ऐसे करेंगे ठीक है बट नीड्स टू बी डन हट रेगुलर इशू अलर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग कराओ भाई जो पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग वेनिंग करवाओ ठीक है फॉरेंसिक फैसिलिटीज़ बढ़ाओ रिलेटेड टू साइबर एंड इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करो वैसे तो अब एन आई ए की बात हो तो भाई चलता है कि स्टेट में है तो पर नहीं हम बनाएंगे उससे रिलेटेड रूल्स बट क्या है कि अब बोल रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है भाई पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर तो अभी आपको ही देखना पड़ेगा इन स्टेट्स को ही देखना पड़ेगा फॉर प्रिवेंशन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स थ्रू देयर लॉ एन्फोर्समेंट मशीनरी देन इज अबाउट कालेश्वरम इको क्लियरेंस वायलेंस लॉ एनजी ने बोला है ठीक है बोला गया है कि जो आपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना था ना वो पोस्ट फैक्टो है ठीक है बाद में दिया गया है जो वर्क कंप्लीट होने के बाद लिया गया आपने एंड जो हमने नया पड़ते इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट है ठीक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसमें भी लिखा हुआ है कि पोस्ट फैक्टो आप ले सकते हो तो आप पहले ही देख लो उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो रही हैं तो वॉयलेशन बोला गया है एनजीटी ने साफ साफ एंड बोला है कि सात मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बिठाओ ठीक है एंड फिर देखो कि जो केस वगैरह है क्या क्या दिक्कतें हैं उसमें ठीक है सो क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ डैमेज हुआ एंड जो आ, उतना उससे फिर फंड वन आ, वो ले लेंगे ना उसे पेनल्टी वगैरह लगा देंगे कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ ये इंपॉर्टेंट है जो गोदावरी है उसके ऊपर उसके आगे बनाया जाएगा ठीक है ओरिजिनली कॉल प्राणहिता छेवला प्रोजेक्ट ठीक है जो तो तेलंगाना में बनाया गया है ठीक है तेलंगाना को ड्रॉट प्रूफ बनाने के लिए एंड गोदावरी का वाटर को हार्नेस करने के लिए ठीक है एंड प्राणहिता और गोदावरी के जो मीटिंग पॉइंट है ना उधर बनाया जाएगा देख लो इधर मैं आपको दिखाती हूँ ये प्राणहित आ रही है इधर से ये गोदावरी है इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे ही इसको बनाया गया है का, 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 कालेश्वरम को ठीक है एंड मिशन काकाती एंड मिशन भागीरथी स्कीम्स को सपोर्ट करेगा एंड ये दोनों मिशन ही ड्रिंकिंग वाटर टू मेनी विलेजेस प्रोवाइड करते हैं काकतिया के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि इन्होंने वारंगल पे इनकी कैपिटल वारंगल थी ठीक है राज किया था जो तेलंगाना वाला पार्ट है उधर वारंगल फोर्ट भी बनाया था हमने काफ़ी बार इसको पढ़ा हुआ है देन इज़ अबाउट इंड स्प्रिंग बोर्ड इनिशिएटिव किसका इंडियन बैंक एंड आई आई मद्रास इंक्यूबेशन सेल का ठीक है तो ये स्टार्टअप्स को फंडिंग करेंगे ठीक है तो एक बोलेंगे स्टार्टअप्स को जिसने अच्छा काम किया है कैश फ्लोज बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है तुमने अच्छा काम किया तुम्हारी टेक्नोलॉजी बढ़िया तो चलो बैंक के पास जाओ एंड वो तुम्हें पचास करोड़ तक का लोन दिलवाने में उनकी मदद करेंगी बेसिकली इनविट क्या है इनविट क्या है जैसे म्यूचुअल ट्रस्ट होता है ना ठीक है पैसे इकट्ठे कर लेंगे लोगों के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट में ठीक है एंड कोई वो जो मैनेजर होता है ठीक है जो उस फंड का मैनेजर होगा वो उसको जहाँ पे बेहतर लगेगा वो वहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर देगा एंड जो रिटर्न आएगा वो धीरे धीरे करके जो म्यूचुअल फंड वाला है उनको मिलता रहता है वैसे ही इन्वेट है इन्वेट में क्या होता है पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो मान लो कोई रोड बन रहा है ठीक है उस टाइम पे किसी को पैसे की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग बन रही है ठीक है तो ऑब्वियसली पैसे तो की तो जरूरत पड़ेगी ही तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं म्यूचुअल फंड की तरह लोगों से क्राउड फंडिंग कराएंगे बेसिकली पर वो फंड नहीं होता उसमें आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में फायदा होता है या बाद में बिल्डिंग पे किराएगा या रोड का टोल आएगा तो बाद में उनको उसको रीपे करना पड़ेगा एंड इन विट आर रेगुलेटेड बाई से बी सेबी रेगुलेशन ऑफ टू थाउजेंड फोर्टीन ठीक है डेमचौक सेक्टर क्या है भाई ये देख लो आप इधर डेम चौक सेक्टर भाई नॉर्थ टू साउथ ये तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डेफ़िनेटली डालूंगी आपको देखो दौलत बे गोल्डी रोड नॉर्थ टू साउथ बता रही हूँ फिर दरबुक शौक रोड ठीक है गलवान वैली बीच में पड़ेगा चिलचुल वैली चुमार एंड डेम चौक ठीक है पूरा आपको याद रहना चाहिए ये वाली चीज़ ठीक है चाइनीज़ का नेशनल हाईवे पास हो रहा है यहाँ पर टू एंड पेंगोंग सोलेक का है वो तो आपने देख लिया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ़ ग्रेट इंडर ग्रेटर साइनो इंडियन बॉर्डर एंड दिस इज़ आल्सो मतलब यहाँ पे दें चौक में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं एंड uh, यही बता रखें इसमें कुछ खास नहीं है जो सोल्जर्स uh, हैं वो रिलीज कर दी गई ये बात बोली गई स्मार्ट फेंस फेंस अलोंग एल ओ सी तो ये वाला पार्ट हमारा पार एल ए सी होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड ये वाला पार्ट एल ओ सी होता है ठीक है लाइन ऑफ कंट्रोल तो यहाँ पे बोला गया है सेवन हंड्रेड किलोमीटर का है अक्रॉस एल ओ सी तो भाई उसको स्मार्ट बनाएंगे कैमरा वैमरा लगवाएंगे ठीक है सेंसर्स लगवाएंगे कोई पकड़ के चढ़ जाए काट ले उसको का, काट दे उसको तो दस लाख रुपए पर किलोमीटर मतलब हाइब्रिड मॉडल इज नाउ बीन अडोप्टेड ठीक तो uh, है तो हाइब्रिड हाइब्रिड एनिवेटिव मॉडल आई थिंक उसकी बात कर रहे हैं ये ठीक है इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इन्वेस्टमेंट मॉडल का एक तरीके का टाइप है एंड uh, इसके बारे में बाद में डिटेल आएगी तो देखेंगे तो अभी इसके बारे में इतना ही बात किया गया है इसको इंटीग्रेट करेंगे लिडार के साथ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के साथ दिन इज अब वेसल ट्रैफिक सर्विसेज तो भाई क्या है जो एक इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन है सोला सेफ्टी ऑफ लाइफ एस लाइफ एट सी तो उसके तहत बोला जाता है कि भाई आपको एक ऐसे तरीके का वी टी एम एस क्रिएट करना पड़ेगा वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसे नहीं है कोई भिड़ जाए आपस में जाके सो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही करेगी अब ट्रैफिकिंग तो श, जो वेसल ट्रैफिक वो शिपिंग ही रेगुलेट करेगी वेसल पोजिशन बताएगी जी पी एस की सहायता से यहाँ यहाँ पे वो जो है वेसल ट्रैफिक बता देगी है ना एंड uh, जैसे कि वही जो जैसे रोड पे ट्रैफिक मैनेज होता है वैसे ही समुद्र में करना है इट कॉन्ट्रीब्यूट सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिन एनवायरमेंट एंड इंस्टॉलेशन फ्रॉम फ्रॉम पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेरी टाइम ट्रैफिक्स ठीक है तो ये इस तरीके का था वी बस ये ध्यान रख लेना आई एम के तहत आपको मैंडेटरीली इस तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना बनता है न? हमने डेवलप कर लिया ठीक है सो दिस इट फॉर टू डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग